हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि आज मैं शाम को ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ, शाम को इसलिए क्योंकि आज हम जलाएंगे चूल्हा। चूल्हा तो खैर मैंने जला ही लिया है और बनाएंगे कुछ नया। शायद शहर के लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, गांव के लोगों ने खा रखा होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये क्या है, ये मक्की। इससे तो आप लोग कोई अनजान नहीं है। तो ये है मक्की और साथ में हम इसको पॉपकॉर्न की तरह नहीं भूनेंगे, आज इसको हम थोड़ा देसी तरीके से भूनेंगे। तो मैं चलिए शुरू करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कैसे भूनना है। जल चुका है हमारा चूल्हा और कढ़ाई गर्म हो चुकी है काफी। तो अब मैं इसमें ये जो हमने तैयार कर रखा है नमक के साथ इसे भूनेंगे हम, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। बस जी, जैसे हमारा नमक गरम होगा वैसे ही हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। अपने आप ये इसमें जो है स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिख जाएगा शुरुआत। और ये लकड़ियां जो है हम यहाँ पीछे से लेके आते हैं, और कोई ये ना सोचे कि हम पेड़ों को काट के, जंगलों को काट के लकड़ी ला रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। ये हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये गिरी हुई होती है, जो लकड़ी जो है टूट जाती है अपने आप ही, वो हम लेके आते हैं। किसी भी पेड़ को आप देख सकते हैं हम नहीं काटते हैं, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि हरियाली यहाँ पे इतनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने इन पेड़ों को कभी हम नहीं काट रहे और नहीं काटेंगे, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। ये बात हम जब बच्चों को समझाते तो हमें भी समझना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं इसे, इसको हम भून रहे हैं। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये इसको जो चूल्हे में ये बनेगा इसका टेस्ट ही अलग होगा, स्वाद। गैस में भी बना सकते हैं बनाने को तो, लेकिन यहाँ पे ये इसका जो बनने का तरीका है वो अलग होगा थोड़ा सा, और स्वाद भी अलग होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें से आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये अब बनने लगे हैं और इसका कलर भी आप लोग देखिए चेंज हो रहा है। आप देखिए, इसमें आपको दिख रहे हैं पॉपकॉर्न के शेप लेने लग गए हैं। ये देखिए, और बहुत टेस्टी होते हैं ये, नमक में भून के सेहत के लिए भी अच्छा है, ऑयली भी बिल्कुल नहीं है, और बच्चों का पेट भी अच्छे से भरेगा और कोई नुकसान भी नहीं है। स्वाद अलग आ रहा है इसका, बहुत ही टेस्ट वाला। देखिए कितने सारे पॉपकॉर्न आ चुके हैं इसमें और अभी भी बन रहे हैं। चलिए, तो तैयार हो चुके हैं हमारे पॉपकॉर्न, अब इसको हम खाते हैं और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा पॉपकॉर्न। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 6:39, मतलब 7 बजने वाले हैं, और स्नैक्स हमारा हो चुका है। आपने देखा था हमने स्नैक्स में आज भुट्टा बना के खाया देसी तरीके से, और अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन। चिकन की रेसिपी मैंने पहले भी आपसे शेयर की है, लेकिन आज शुरू से शेयर करूंगी। और उसमें साथ में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि इंग्रीडियंट्स बताइएगा आप कि आपने क्या क्या डाला है, तो इसीलिए मैं दोबारा ही रेसिपी बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बना रहे हैं हम। तो देखिए, आग हमारी जल चुकी है काफ़ी अच्छी, और कढ़ाई हमारी, हाँ जी, बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। तेल मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा गर्म होने देते हैं। आपको पता ही है सभी को कि तेल जब गर्म हो जाए उसमें से अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। देखिए, आग हमारी आज काफी अच्छी जल रही है, तो इसको थोड़ा मैं सीधा करके रख लेती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। चेक करते हैं तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं हुआ है। बिल्कुल, अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ प्याज।
तो अब हमारे जो प्याज है ये बस ब्राउन हो गया ऑलमोस्ट, मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, दो मिनट बस और भूनूंगी मैं इसको। उसके बाद अब मैं इसमें चिकन जो है डाल के पहले हम इसको चिकन फ्राई करेंगे। बस अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें और फ्राई कर लेते हैं। मैंने तपनी मारा है, तो ये देखिए आप देख सकते, ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊं, इसका रंग जो है अब बदल रहा है धीरे धीरे और ऑयल ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कुछ देर में हो जाएगा। तो अब इसका कलर हमारा चेंज हो चुका है और हम इसमें, ये देखिए अच्छा कलर आने लग गया है, तो हम इसमें मसाला लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मसाले मैंने क्या क्या डाला है, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने पूछा था। तो मसाले में मैंने प्याज तो हमने पहले कुछ भूना था, लेकिन फिर भी मैंने साथ में टमाटर और प्याज को मिक्स करके जो है मिक्सर में पीसा है, और उसके साथ ही गार्लिक है, लहसुन, अदरक है, जिंजर, और एक चम्मच हल्दी, और तीन चम्मच आपका धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और लाल मिर्च और देगी मिर्च जो कलर के लिए होता है, नमक आपके स्वाद अनुसार, ये डाला है मैंने। चलिए इसको डालते हैं। तो ये मसाले मैंने इसमें अब लगा दिया है और साथ में अभी इसमें हम डालेंगे MDH का चिकन मसाला। तो ये हमारा चिकन आप देख सकते हैं भून चुका है बहुत ही अच्छी तरह से, मसाला इसमें लग गया है, आपको ये दिख रहा होगा कलर, और ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है। और मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग भी इस तरह से बना के जरूर खाइएगा, क्योंकि अगर जो है इस तरह से हम खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिलीव मी, बहुत ही अलग प्रकार का टेस्ट आएगा, बहुत ही अलग टेस्ट आएगा, क्योंकि ये जो चूल्हे में मैंने आपको पहले ही बताया था इसका टेस्ट अलग होता है। तो अगर आप इसमें बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और एक अलग ही मतलब मजा आएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, मेरे कहने पे एक बार आप इसे प्लीज जरूर ट्राई करें।